two poles, 18 meter and 13 meter high. यही भी रुक जाते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर समझते हैं. टू पोल्स, दो पोल्स हैं आपके पास 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई, जिनकी हाइट आपको दी गई है 18 एंड 13 मीटर. लेट्स ड्रॉ टू पोल्स, राइट, 18 एंड 13 मीटर्स. सपोज दिस इज ऑफ हाइट 18 मीटर्स एंड दिस इज ऑफ हाइट 13 मीटर्स, राइट. दो पोल्स हैं आपके पास, ये हमने ड्रॉ कर लिया. स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है उसमें ये सीधे लगे हुए हैं. अपराइट मीन सीधे लगे हुए हैं. इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, अगर इन दोनों के फीट 12 मीटर्स अपार्ट हैं, अलग हैं, दूर हैं, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो आपको इन दोनों के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब आपने ये फिगर देखी, आपको इसमें लगा कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रायंगल लग ही नहीं रहा है. तो कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोगों को कभी कभी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, राइट. अब कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना पड़ता है, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो पोल्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और जब आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन यूज़ करके ही डिस्टेंस निकालते हैं. टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा के जो है आप उसका डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट. तो क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसी स्ट्रेट लाइन को यहाँ 13 मीटर के डिस्टेंस पर एक और लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, राइट. अगर ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होना चाहिए, राइट. क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दो पोल्स बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स लाइक पैरेलल लाइंस. और आपको मालूम है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कहीं से भी आप मेजर करेंगे हमेशा सेम होगा. अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं 12 मीटर है, अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे तो वो भी 12 मीटर्स ही होगा, राइट. क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज दीज टू आर पोल्स आर लाइक पैरेलल लाइंस, राइट. अब हम बात करते हैं कि हमने ये 12 मीटर डिस्टेंस यहाँ ले लिया है. अब हम इसी तरीके से अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, राइट. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पूरी हाइट आपको दी है यहाँ तक, ये 18 मीटर की होगी, राइट. और ये जो हाइट आपको हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, दैट इज 13 मीटर्स, राइट. अब ये पूरा पोल आपका 18 मीटर्स का है, और हमने 13 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, राइट. तो 18 माइनस 13 मीन्स दिस पार्ट, यू विल गेट 5 मीटर्स, राइट. अब 13 प्लस 5 पूरी हाइट हो जाएगी 18, राइट. ये हमने लाइक अ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, अगर ये 13 है तो ये भी 13, राइट. अब लाइक इस पूरे पोल की हाइट आपकी 13 मीटर्स है, 18 मीटर्स है. अगर आपने यहाँ तक 13 मीटर्स ड्रॉ कर लिया, तो बाकी जो हाइट है वो 5 मीटर्स की होनी चाहिए, राइट. अब मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर एक राइट एंगल बन गया, क्योंकि ये राइट एंगल था, तो ये भी एक राइट एंगल हमारा ड्रॉ हो गया, राइट. अब हम इनको नाम दे देते हैं ताकि हमें आसानी रहे इसे करने में. ए बी सी डी एंड दिस इज ई, राइट. तो अब क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, व्हाट डिस्टेंस, जो दोनों के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है. तो एक तरीके से ये हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट. दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस. तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. यहाँ पर आप डिस्टेंस दे सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, राइट. अब ए बी क्या है, आपकी टोटल हाइट 18 मीटर्स. ए ई आपको फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि वो तो हमने फिगर में फाइंड आउट किया है, यहाँ हम रिटर्न में फाइंड आउट कर दिए, राइट. ई बी इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 18 माइनस 13 मीन्स 5 मीटर्स, राइट. एंड ई डी इज इक्वल टू बी सी 12 मीटर्स,
राइट, हमें क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है, राइट, अपने आप से एक लाइन ड्रॉ की है, तो हम उसको लिखेंगे वाई कंस्ट्रक्शन। अब ये हो गया, अब हमारे पास ट्राइंगल तैयार है, इन ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल का नाम लिखना सबको आता है, ट्राइंगल ए ई डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम पहले लिख लें, राइट, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना है, पी मीन्स फाइव, बी इज 12, इस सॉल्व करते हैं, जस्ट रिमूव द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 12 144, एड दीज टू नंबर्स, दिस इज इक्वल टू 169। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा 13 मीटर्स, मीन्स हेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, कितना डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच का, 13 मीटर्स, मीन्स इन दोनों पोल्स के जो टॉप हैं उनका डिस्टेंस हो गया 13 मीटर्स। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके और हमने इसका डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स फाइंड आउट किया है।